गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर मंजूबाला यादव एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा आज हम एंट्रापी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बी पार्ट टू थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में आता है एंट्रापी जो है तंत्र की जो डिस्टर्बनेस है उसको समझाता है और स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं उनमें एंट्रापी जो है सिस्टम के हमेशा इंक्रीज होती है तो आज हम इस एंट्रापी uh, का जो इफेक्ट हीट के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस बाय अ सिस्टम एंड द टेम्परेचर एट विच दिस हीट इज़ एब्ज़ॉर्ब इज़ नोन एज द एंट्रोपी चेंज अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं तो अगर हमारा प्रोसेस कैसा है उत्क्रमणीय प्रोसेस है तो जो उसमें रेशियो है किसका हीट एब्जॉर्ब का जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट जो है अवशोषित ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है उसका और अगर हम टेम्परेचर का रेशियो लेते हैं तो वो हमको एंट्रोपी के बारे में बताता है एंट्रोपी चेंज बताता है अगर हमारा सिस्टम जो है ए से बी में परिवर्तन हो रहा है और उसमें जो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है वो क्यों रिवर्सिबल हो रहा है तो हमारा जो एंट्रॉपी चेंज हो जाएगा डेल एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए और क्यू रिवर्सिबल बाय टी हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस कैसा है रिवर्सिबल है उसमें जो हीट एब्ज़ॉर्ब है क्यू रिवर्सिबल है और जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट एब्जॉर्ब है वो टी है अब जैसे हमने पहले भी पढ़े थे कि कुछ मात्रात्मक गुण होते हैं और कुछ जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो एंट्रोपी जो है जिस प्रकार से एनर्जी है उस तरह से ही स्टेट फंक्शन होता है अवस्था फलन है ये जो है केवल अवस्था के ऊपर निर्भर करता है ये पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता कि एक चेंज दूसरे चेंज में कैसे हो रहा है ये केवल जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा इसलिए स्टेट फंक्शन है अवस्था फलन है इसलिए जो डी होगा जो इसका जो वो कैसा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा यानी कि यथातथ अवकल होगा और इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रॉपी भी जो है वो अवस्था फलन है और वो किसका फंक्शन है प्रेशर का वॉल्यूम का और टेम्परेचर का एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मात्रात्मक गुण है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी कितना मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी और अगर हम यूनिट की बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री में यूनिट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो एंथ्रॉपी की यूनिट होती है कैलोरी पर डिग्री पर मोल और अगर ऐसा SI यूनिट्स में बात करें तो जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होती है एंट्रोपी इज़ एक्सप्रेस्ड फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड मोलर एंट्रोपी हम ज़्यादातर जो एंट्रोपी की बात करेंगे वो मोलर एंट्रोपी की बात करेंगे यानी कि एक मोल सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या है अब अगर हम यहाँ देखें प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कर्व है और ए से बी जो है हमारा पाथ है आ, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट है और जो पाथ वन है और पाथ टू है तो हम देखेंगे कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि दोनों में हमारा जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है और डी क्यू बाई डी टी डी क्यू बाई टी जो हमारा एंट्रोपी चेंज आया था वो उसको अगर हम ए से बी के बीच में जो है इंटीग्रेशन करें तो ये हमको एक डेफिनेट क्वांटिटी जो है वो एंट्रोपी की दे देगा तो हम कहते हैं डेलेस इज़ इक्वल टू एस बी माइनस एस ए डी क्यू बाई डी टी ए टू बी इंटीग्रेशन यहाँ पे डी क्यू जो है हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस है अब अगर हम बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं इन फाइनाइट ऐसे मैंने स्मॉल चेंज तो वहाँ पर डी एस का मान क्या हो जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा और डेलेस जो है एक फाइनाइट चेंज है तो डी क्यू रिवर्सिबल जो है उसको हम क्यू रिवर्सिबल के बराबर लिख सकते हैं इसलिए जो हमारा डेलेस आ जाएगा वो क्यू रिवर्सिबल बाय टी हम मानते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज आता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी हीट एब्ज़ॉर्ब है अपॉन टेम्परेचर आता है अब हम देखते हैं कि हीट जो एब्ज़ॉर्ब होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी इसलिए एंट्रोपी जो चेंज है डेलेस जो हमने पढ़ा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा ठीक है जितना हम हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगा और यानी कि जैसे ही एबजॉर्बशन ऑफ हीट हो रहा है हीट का अवशोषण हो रहा है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज हीट के साथ एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी इन एडियाबिटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अब अगर हमारा सिस्टम कैसा है एडियाबिटिक जिसमें कोई ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं हो रहा है और उत्क्रमणीय प्रोसेस है तो वहाँ पे हीट जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी इसलिए एंट्रोपी चेंज भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और ऐसे प्रोसेस को हम आइसो प्रोसेस बोलते हैं ठीक है तो हमने कहा कि हीट जैसे जैसे एब्जॉर्ब हो रही है वैसे वैसे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ हो रही है पर अगर हमारा आइडियाबिटिक प्रोसेस है एडियाबिटिक प्रोसेस है जिसमें हीट चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ पे एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगी और इसको हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं अब अगर हम आइसोथर्मल जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हम कॉन्सटेंट रख रहे हैं और उसके साथ जो हमारे एंट्रोपी चेंजेस हैं उनको हम पढ़ें तो सबसे पहला केस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस हमारी गैस कैसी है आइडियल गैस है जो कि पी वीज गोल्ड एन को फॉलो करती है लॉ को और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट कौन, है और एक्सपेंशन हो रहा है अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारा एन मोल्स है आइडियल गैस का और उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं आइसोथर्मली ठीक है ना समतापीय उस पर हम उसको जो है एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा है वो जीरो हो जाएगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का वो Q माइनस डब्ल्यू के बराबर है तो यहाँ पे ये यह जीरो हो गया तो Q माइनस डब्लू तो Q रिवर्सिबल डब्ल्यू के बराबर हो गया तो यहाँ पे Q आपका हीट एब्जॉर्ब था और डब्ल्यू जो है वर्क डन बाय द गैस है गैस जितना कार्य कर रही है अब अगर हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं V1 से V2 और टेम्परेचर हमारा T है तो यहाँ पर हमारा W क्या आ जाता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन क्यू के बराबर है तो एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन ठीक है और क्योंकि हमारा जो चेंज था इन ट्रॉपिक का वो क्यू रिवर्सिबल बाई T है तो ये क्या आ जाएगा आ, डेलेस किसके बराबर आ जाएगा क्यू आर का मान ये है अपॉन टी यहाँ पे टी टी जो है कैंसिल हो जाएगा तो आपका एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बच जाएगा तो हमारा जो एंट्रोपी चेंज है वो टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री एन आर एल एन इसको हम लॉग टू द बेस टेन वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करके ठीक है ना यहाँ पे हमारा नेचुरल लॉग था और हमने इसको लॉग टू द बेस टेन किया तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस है उसके लिए एंट्रोपी चेंज आ गया जो कि हमारे जो एक्सपेंशन से पहले जो वॉल्यूम था और बाद में उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर और हमारा राइट कांस्टेंट कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल चेंज जो फ़िज़िकल चेंज होते हैं उनमें क्या होता है एंट्रोपी चेंज फिजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं या तो सॉलिड लिक्विड फेज में जाता है या लिक्विड गैस फेज में जाता है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाते हैं तो उनमें जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से एंट्रोपी चेंज होता है तो सबसे पहले है फ्यूज़न गलन सॉलिड किस में जा रहा है लिक्विड में जा रहा है तो जब भी हम कह रहे हैं कि फेज चेंज होता है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड होता है यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड कहलाता है और यहाँ पर जो हीट जो है सॉलिड को दी गई है वो उसकी गुप्त जो है उष्मा लेटेंट हीट ऑफ़ फ्यूजन के बराबर होती है अब हम कहें कि अगर एक मोल सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जो कि टी है और डेल एच एफ जो है वो उषमा जितनी एब्जॉर्ब हुई है हीट विच इज़ कॉल्ड इट्स मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न ये हीट ऑफ फ्यूज़न है डेल एच एफ तो डेल एस हमारा क्यों बाय टी होता है तो डेल एस एफ हीट ऑफ फ्यूज़न क्या हो जाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो क्या है डेल एच एफ टी एफ क्या है मेल्टिंग पॉइंट टी एफ और ये डेल एस फ्यूजन एंट्रोपी जो है वो जो फ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है उस टाइम जो एंट्रोपी हो जाएगी डेल एस एफ इजिकल टू डेल एच एफ अपॉन टी एफ हो जाएगी ठीक है तो अभी तक तो हमने फॉमूला पढ़ा था क्यू रिवर्सिबल बाय टी अब हमने उसको चेंज कर दिया क्यू रिवर्सिबल की जगह हमारा क्या आ गया मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न आ गया कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम जो है आ, कितना जो है उष्मा में परिवर्तन हो रहा है और अपॉन उसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक है तो हमने देखा कि फ्यूज़न प्रोसेस में सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस टाइम जो उष्मा दी जाती है वो उसके स्वरूप को चेंज करने में लग जाती है और टेम्परेचर उस टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है और वो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अब बच्चों हम सेकेंड केस देखें एंट्रॉपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस अब हमारा ये क्या है वेपोराइजेशन प्रोसेस है इसमें हमारे पास डेल एस वी एस की जगह आ जाएगा वेपोराइजेशन का जो ट्रॉपी है और आ, आपका डेल एच वी अपॉन टी बी टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट वे टेम्परेचर जिसके ऊपर ये चेंज होता है लिक्विड टू गैस वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है और डेल एच वी जो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो उस टाइम जो है आ, हीट दी जाती है वो कौन सी कहलाएगी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी ठीक है तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया डेल एस वी इज इक्वल टू डेल एच वी अपॉन टी पी अब थर्ड केस है एंट्रोपी चेंज ए कंपनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर एंट्रोपी चेंज का मान क्या होगा जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए हम कहते हैं डेल एस इज इक्वल टू डेल एच टी अपॉन टी टी डेल एच टी क्या है जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइम मोलर हीट ऑफ़ ट्रांजिशन और टी टी क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि जब आ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से तो जो ड्रॉपी चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जिस जिस टेम्परेचर के ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है और उस टाइम जो हीट है, जो है मोलर हीट और ट्रांजिशन है उसके ऊपर निर्भर करेगा अब आगे हम देखेंगे कि एंट्रापी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है और टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो उसको हम किस प्रकार से एंट्रोपी को इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू